गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज की राइड हमारी है आर्नोल्ड एंड हमें जस्ट हॉप अप एंड आज इसी से हम लोग जाने वाले हैं अपने ऑफिस की तरफ। इंटरेस्टिंग बिकॉज इसका भी पूरा रिपेयरिंग वर्क हुआ है अभी। आई डिड दैट बिकॉज आई न्यू कि सिटी ट्रैफिक में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है रैम्बो के साथ, तो आर्नोल्ड इज़ दी परफेक्ट चॉइस। मेरा ऑफिस भी रिलोकेट हो चुका है फ्रॉम द अर्लियर प्लेस। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। थोड़ा सा बेयर अप करना पड़ेगा आप लोगों को आवाज़ के साथ, बिकॉज दिस थिंग इज़ गोइंग टू साउंड डिफरेंट। So talking about first thing first, let me just take a turn. First thing first, where was I? भाई बहुत दिनों से क्वेश्चन उठ रहे हैं कहाँ चले गए, डेली ऑब्जर्वेशन कहाँ गया, फलाना ढिमकाना। For you guys, let me just clarify कि मैं था कहाँ और कर क्या रहा था। Well, in every YouTuber's life, there is a phase where he needs something to relax on, think on and कैरी ऑन। अब जब भैया रोज़ आप व्लॉगिंग करोगे, सब कुछ करोगे, थिंग्स ट्राई टू गेट चोक्ड अप। लेट मी जस्ट हियर दिस एंड सडनली स्टार्टेड सनी, तो लेट मी जस्ट पुट ऑन माई ग्लासेस। ओके, मच बेटर, लेट्स गो। तो भाई हम थोड़ा से दिन यूट्यूब से थे दूर बिकॉज कई सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही थी। आई मेट विद एन एक्सीडेंट, माई शोल्डर वर इंजर्ड। शोल्डर के साथ साथ थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम चाहिए था। मेरे हाथ में स्क्रैचेस लगे थे, एज यूजुअल यू गाइस हैव सीन दैट। पीठ में स्क्रैचेस थे, आई एम सॉरी। वेल, तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो इसी बीच में मेरी दोनों बाइक्स, पहले तो रैम्बो गई थी एज यूजुअल एक्सीडेंट की वजह से सर्विस सेंटर, जिसमें कि अच्छा खासा ऑलमोस्ट अ मंथ का टाइम लगा। उसके बाद विद इन दैट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया कि आर्नोल्ड को भी सर्विस सेंटर भेज दिया गया, बिकॉज जैसलमेर की ट्रिप के बाद से आर्नोल्ड चला नहीं था, हमें याद है। अरे गुरुदेव, या तो चला लो या तो कर लो, ऐसे लोगों का होना चाहिए चला लिटरली। तो मैं कहाँ था, हाँ तो बात यहाँ पे थी कि जैसलमेर के बाद से ये चला नहीं था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरा जो स्पार्क प्लग होता है जहाँ पे लगता है, उसकी चूड़ियाँ गई थी बिल्कुल ख़राब। तो स्पार्क प्लग ना टाइट हो रहा था ना लूज़ हो रहा था, लूज़ तो था, टाइट नहीं हो रहा था। तो जिसकी वजह से कंबशन नहीं बन रहा था, कंबशन नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा, तो बाइक कैसे चलेगी। तो अल्टीमेटली आई हैव टू गिव इट टू दी सर्विस सेंटर। अब सर्विस सेंटर गए तो भाई साहब ये भी ठीक होकर आए, लेकिन अच्छा खासा खर्चे के साथ। तो वो खर्चा भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कहाँ कहाँ खर्चा भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या खर्चा था वो चीज़ का। बट सो फार थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ। आई गॉट दिस बैक, आई एम राइडिंग दिस, फील सॉलिड अभी भी। ऑल दो आई एम नॉट रशिंग इट आउट बिकॉज थोड़ा सा पुराना इंजन है एंड थिंग्स नीड टू बी यू नो कह सकते हैं थोड़ा सा इंजन रवा करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। पुराने इंजन है, रिलायबल इंजन है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, रैम्बो भी आया और उसी बीच मैंने एक ट्रिप मार डाली रैम्बो के साथ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेस्ट कि रैम्बो जो फिक्स होकर आया है इज़ दैट द ओल्ड रैम्बो विच आई हैव गॉट और द फिक्सेज आर नॉट अप्रोप्रिएट और समथिंग लाइक दैट। तो टेस्टिंग का बेस्ट तरीका होता है रोड पर चलाओ, हाईवे हिट करो। सो आई डिसाइडेड कि एक ऐसा हाईवे जो कि सिंपल हो बट उसके साथ साथ चैलेंजिंग भी हो। तो वी वेंट टू लखनऊ, जिसका कि ट्रिप का वीडियो बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है। सो मैनी थिंग्स टू डू। इसके साथ साथ आई हैव डिसाइडेड टू मेक द वीडियोज़ अबाउट मेंटेनिंग माई बाइक्स, दिस वन एंड रैम्बो। तो आर्नोल्ड रैम्बो के ऊपर मेरे कितने खर्चे हुए, कैसे हुए, क्या हुआ और मैं क्या क्या इन लोगों के ऊपर खर्चा करता हूँ, जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। होपफुली दिस मेक्स अ गुड सम अप। विद दैट, फैमिली तो यार प्रायोरिटी होती है, तो फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें मेरी चल रही हैं विच यू गाइज विल
कम टू नो सून बिकॉज यू आर अ फैमिली टू, तो फैमिली को नहीं पता चलेगा तो ऐसे कैसे। बट उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार, उसके बाद आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या आने वाला है नया। लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कमिंग अप। ये तो हुई मेरी बात, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। एक और मुद्दे की बात ये है कि आजकल एक नई नई चीज़ें हो गई हैं। मतलब आजकल क्या, अचानक से सुनने में आया कि भैया चलान ना दुगुना, ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना हो चुका है कई चीज़ों का। अब कई चीज़ों का, फॉर एग्जांपल पहले रेड लाइट तोड़ने का था कम, अब वो 1000 रुपये हो चुका है। पॉल्यूशन ना होने पे 10,000 रुपये, और कईयों के तो र्यूमर उड़ रहे हैं। मतलब इतनी सारी मतलब देखो यार, ये इतने सारे फ़ोटोज़ ये बयान करते हैं कि कई लोगों ने इस टाइम पे परेशान हुए हैं इस चलान के सिस्टम से, बिकॉज उनका चलान कई गुना 10-20-30 गाड़ी से भी कई गुना महंगा आ रहा है। तो ऐसे में आखिर इंसान करे क्या, और क्या ये सही है या गलत, करेंगे इस बात पे हम लोग चर्चा। चलते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं, डेली ऑब्जर्वेशन भी हो रही है साइड बाई साइड, देख ही रहे होंगे ये हिसाब पीछे आ रहे हैं ऐसे। अब ऐसे में ही तो होते हैं एक्सीडेंट, और इनको देखिए ना हेलमेट है ना कुछ है, और चले आ रहे हैं उल्टा। दिस इज़ उल्टा पुल्टा। और ये सड़क जो है ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके हैं इसमें कार्य प्रगति पे है। पता नहीं कहाँ है वो प्रगति, तो मुझे नज़र नहीं आती और ना ही कार्य होते हुए नज़र आ रहा है। ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे कि अभी तक सरकार ने काम नहीं करा है, दे हैवंट पेड अटेंशन टू दैट, और इम्पोज कर दिए इतने तगड़े वाले चलान, पूछिए मत। ज़्यादातर ये चलान जो हैं ज़्यादा तंग कर रहे हैं लोगों को इन दिल्ली एंड गुड़गांव, क्योंकि यहाँ की पुलिस तो कुछ इस तरीके से मस्त है, तो दे डोंट केयर कि कौन कैसे चल रहा है। तो रिलैक्स हो जाइए यूपी और नोएडा में, बिकॉज अभी आपके पास वक्त है। अगर आप अच्छा चला रहे हैं, सही से चला रहे हैं, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू, बिकॉज सबसे पहला टारगेट जो कि पुलिस का माना जाता है वो ये है कि रूल्स वॉयलेशन जो करती हैं, फॉर एग्जांपल हेलमेट के बिना चलना, यू नो सीट बेल्ट ना लगाना, यू टर्न मारना गलत जगह पे, नो एंट्री पे घुसना, रेड लाइट को तोड़ना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि अटेंशन ग्रैब करती हैं पुलिस वालों की। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं तो वैसे भी आप अटेंशन में नहीं आएंगे, तो पुलिस वाले आपको सिर्फ कागजात देखने के लिए नहीं रोकेंगे, याद रखिएगा, पुलिस वाले सिर्फ कागजात देखने के लिए आपको नहीं रोकेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने भेजे में बात घुसेड़नी है कि कोई भी रूल तोड़े ना, नहीं तोड़ेंगे तो सुखी रहेंगे, तोड़ेंगे तो आई डोंट नो, हो सकता है कोई भी घूम फिर के चीज़ आपके ऊपर लगा दी जाए और वो चार्ज बन जाए। और दिल्ली में फंसे तो भैया गए, बिकॉज वो चलान आप ऑन द स्पॉट भी नहीं भर सकते, फॉर दैट यू हैव टू गो टू कोर्ट एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, सॉरी टू से बट इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। एनीवेज चलते हैं। अभी यार ये बारिश जैसी लगने लगी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है, एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव रेन गियर्स, ऐसे में तो भैया हम फंस जाएंगे। बट एनीवेज चलते हैं, कोशिश करता हूँ कि ट्रैफिक से आगे निकल जाऊँ एंड एंटर अ सेफ जोन। देखो बारिश पड़ रही है, इट्स रेनिंग। और जो मेरा नया ऑफिस, मतलब ऑफिस तो वही है बट जो नई लोकेशन है ऑफिस की, दैट इज़ वेरी धाकड़, इज़ जस्ट नियर यमुना बैंक, तो यमुना रिवर पूरी दिखती है पीछे से ऑफिस से, लोटस टेम्पल से लेकर सब कुछ दिखता है, ऑल्दो उतना क्लियर नहीं बिकॉज वेदर ही ऐसा रहता है, ऐसा लगता है जैसे सब जगह स्मॉग हो रखा है। करेंटली द वेदर इज़ वेरी 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 अनप्रिडिक्टेबल, इट इज़ यू नो सनशाइन एट द सेम टाइम एंड आई थिंक फ्यू ऑफ द ड्रॉपलेट्स आर बीइंग फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ऐसा ही होता है भैया। चलते हैं, और आपको सबसे बड़ी पेन वाली एरिया अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जब तक ये क्लियर आउट नहीं होते और आप चलान इम्पोज करोगे, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज इन द सोसाइटी। यू हैव टू क्रिएट अ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे लोग इजीली रूल्स फॉलो कर सके। अब आधे से ज़्यादा लोग रूल फॉलो कर ही नहीं पाते बिकॉज थिंग्स आर नॉट इन देयर कंट्रोल। इतनी भसड़ है ज़िंदगी में, सिंपल शब्द में कहूँ कि आप फ्रस्ट्रेशन में पागल हो जाते हो। ऑफिस जाना इट्स अ चैलेंज फॉर एवरीडे यूज़र। मेरा टाइम थोड़ा सा पीछे है फ्रॉम माय डैड, बट मेरे फादर जब इस टाइम पे निकलते हैं तो ही यूजुअली गेट मैड बिकॉज इतना ट्रैफिक, इतना रश, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द ऑटो गाइज ओवर हेयर। यहाँ पे ऑटो पीपल आर लाइक
चीटी चीटी की तरफ से चारों तरफ फैल चुके हैं ये लोग, एंड दे डोंट गिव अ डैम, दे डोंट गिव साइट टू यू, फ़र्क ही नहीं पड़ता उन्हें, और तो और पुलिस वाले भी उन्हें कुछ नहीं कहते। आई डोंट नो व्हाई, बट इन लोगों के जब तक कोई चालान नहीं कटेंगे, ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला इस चौराहे का ख़ास तौर पे। तो आई होप यू नो समबडी फ्रॉम दी अथॉरिटी लिसन टू आर वॉइस एंड मेक थिंग्स बेटर हेयर, बिकॉज इट्स द मेन एंट्रेंस बॉय, नोएडा का मेन एंट्रेंस है फॉर मैनी पीपल, वी हैव लॉट्स ऑफ आई टी कंपनीज ओवर हेयर एंड ऑल्सो द फैक्ट्रीज, सो कई लोग आते हैं जो कि बाहर से विजिट करते हैं हमारे देश को, एंड व्हाट दे क्रिएट अ इमेज ऑफ आवर कंट्री इज दैट भैया यहाँ पे राइड करना मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दे कैन रिकॉर्ड दिस अंडर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इफ़ यू राइड ओवर हेयर, मान लो मेरी बात, इट्स अ चैलेंज, लिटरली इट्स अ चैलेंज। लेट्स मूव ऑन, इधर से चले उधर से चले, यही चैलेंज करते रहते हैं हम तो दिन भर, समझ में ही नहीं आता किधर से कौन किधर जाएगा, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे ना 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 ना। एक और मुद्दे की बात यह है कि क्या चालान उनके नहीं कटने चाहिए जो पीछे भी पिलियन बैठे हैं और वो विदाउट एनी हेलमेट है, रीज़न बीइंग यार वो तो सबके लिए बराबर है ना, बट यूपी में अभी इट्स नॉट दैट टाइट अप, पीपल आर स्टिल टेकिंग इट लाइटली, अच्छा है, दिल्ली में ज़्यादा है भसड़बाजी, आई हैव हर्ड कि दिल्ली के पीपल आर मोर एंग्री, आई विल से एंग्री बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं यार, लोगों को कॉमर्शियली रोड में उतरना पड़ता है, एंड देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, अगेन व्हेन टॉकिंग अबाउट द बाइक्स, जब मैं बाइक्स अपनी ठीक कराता हूँ मेरी सबसे मेन प्रायोरिटी पहले होती है इंजन, फिर इंजन के ऊपर आती है हैंडलिंग, आई बिलीव अ गुड बाइक इज़ दैट विच हैंडल्स गुड, अगर वो हैंडल नहीं करेगी और मैं उसको सिर्फ खूबसूरत बना दूँ तो उसका कोई मज़ा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए जब भी आप अपनी गाड़ी पे काम कराएं मेक श्योर यू ऑल्सो वर्क ऑन द हैंडलिंग ऑफ द बाइक, और उसके बाद फिर कॉस्मेटिक पे करें तो इट विल बी गुड फॉर यू। हम लोग निकाल ही लेते हैं जैसे तैसे करके अपनी बाइक को इन बम्प्स और हम्प से, बड़ा इंटरेस्टिंग फ्लाईओवर है, बड़े नाना प्रकार के प्राणी यहाँ मिलते हैं हमें, ये देखो बात है ना, नाना प्रकार के लोग मिलेंगे आप, दिस इज़ नॉट अ रेसिंग ट्रैक, बट कौन समझाए KTM भाई साहब को, वो चल रहे होंगे इजीली एट अ स्पीड ऑफ 80, 90 और 100 के आसपास, फिर हादसे होते हैं तो फिर लोग कहते हैं भैया बाइकर ख़राब है, दिस व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ मी ओवर देयर, झंडा जहाँ लहरा रहा है वो है एस्कॉन टेम्पल नोएडा का, तो भाई कृष्ण जी के भक्त हो तो एस्कॉन टेम्पल आओ घूमो और प्रभु के गुण गाओ, ये रहा एस्कॉन टेम्पल, गुड टू सी, पार्किंग पार्किंग पार्किंग, तो इसी के साथ आज की आकाशवाणी होती है समाप्त, ठीक है भाई, द एंड ऑफ व्लॉग हेयर हेयर एंड हेयर ओनली हेयर।